वेलकम टू स्नेहा टीचिंग एक सवाल मुझे आज आया था मेरे यूट्यूब uh, पे मुझे वो सवाल बहुत अच्छा लगा uh, मैं बता रही हूँ वो सवाल क्या था और वही उसी सवाल पे आज का ये वीडियो है सवाल था इंत खबन uh, सारी नाइन ट्रिपल नाइन वन ने पूछा है कि मैम प्लीज बताइए कि डिफरेंस बिटवीन को स्कोलिस्टिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या अंतर है Uh, केंद्रीय विद्यालय के लिए इन्होंने लि, uh, ये प्रश्न पूछा है तो इसी प्रश्न का जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ ठीक है तो uh, मैंने हिंदी में रखा है जा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ पाए अगर आपको हिंदी में समझने में समस्या है तो जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि मैं दोबारा इंग्लिश में भी लेके आऊं केवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है सशैक्षिक और सह सैक्षिक गतिविविधियों अम्म uh, के बीच विभिन्नता क्या है ठीक है अम्म माफ कीजिएगा स शैक्षिक गतिविधियां और स विद्या परिश्रमी गतिविधियां ठीक है ये ऊपर में थोड़ा गलत लिखा हुआ है अः उस पर ध्यान देंगे यानी स्कौल, को स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज के बीच क्या अंतर है उसपे हम ध्यान देंगे ठीक है तो अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो मैंने हाईलाइट करके यहाँ हाईलाइट किया है जो मुझे पॉइंट करने की जरूरत नहीं मैं उसे आपको समझाती अपने शब्दों में सरल शब्दों में ताकि आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो सैक्षिक गतिविधियां क्या है वो एक ऐसी गतिविधियां है वो एक ऐसी एक्टिविटी है, एक एक है क्या है एक्टिविटी है क्योंकि को स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज है तो है तो गतिविधियों की बात हो रही है ना जी एक ऐसी एक्टिविटी एक ऐसी गतिविधि है जिसमें शिक्षा के अलावा को स्कोलेस्टिक याद रखिएगा ठीक है सह जिसमें शिक्षा के अलावा किताबी ज्ञान के अलावा किताबी कीड़ा बनने के अलावा छात्रों को व्यक्तिगत विकास यानी उनके खुद के विकास नैतिक मूल्यों जो मोरल वैल्यूज होते हैं शारीरिक फिजिकल मानसिक स्थिति सामाजिक और इंजीनियरिंग कौशलों आदि को बढ़ावा देने के लिए की जाती है यानी कि ये एक ऐसी गतिविधियां हैं जो कि बच्चों को एक पूर्ण रूप से होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो है तैयार किया जाता है जिसमें बच्चे को इमोशनल डेवलपमेंट हो गया बच्चे का जो बच्चे की मॉरल वैल्यूज दे जाने वाली बात हो गई बच्चे के शरीर का विकास हो गया बच्चे के मानसिक विकास हो गई बच्चे की स्थिति है क्या है आ, हर चीज पर जो है इस इसपे क्या किया जाता है ध्यान दिया जाता है हर चीज पे क्या दिया जाता है पे ध्यान दिया जाता पे दिया जाता जाता है है हर चीज पे जोर जिसमें कि खेल हो 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 गया संगीत हो गया कला हो गया गया नृत्य संगीत कला बच्चा कोई ड्राइंग में अच्छा है नैतिक शिक्षा हो गई मॉरल वैल्यूज भी तो देना जरूरी है बच्चा हर चीज जान रहा है हर कुछ सीख रहा है और कल को वो किसी से बदतमीजी से बात कर रहा है तो भाई इसका मतलब है कि मोरल वैल्यूज की कमी है उसमें कहीं ना कहीं तो नैतिक शिक्षा उपयोगी कौशल विकसित समाज सेवा हो गया बच्चों को समाज सेवा की भावना सिखाना अपार्ट फ्रॉम किताबी कीड़ा बन जाना साइंथीटा कॉल थीटा काफी नहीं होता है बच्चों को सामाजिक ज्ञान भी देना पड़ता है समाज सेवा क्या होता है वो बताना पड़ता है वरना वो बच्चा किस किस चीज के काम आएगा हमारे समाज में किस तरह से काम आएगा कैसे पॉजिटिव चेंजेस लाएगा विज्ञान मेला हो गया शिशु स्वास्थ्य हो गया आदि शामिल हो सकती है इन गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों का व्यक्तिगत सामाजिक और नैतिक विकास को समर्थन करना है यानी कि आप घुमा फिरा के इसको डेवलपमेंट बोल सकते हैं बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है बच्चे के हर एस्पेक्ट को देखा जाता है चाहे वो बच्चा कला में है चाहे वो बच्चा डांस में है चाहे वो बच्चा एक्टिंग uh, में है चाहे वो बच्चा किसी भी चीज में है समाज सेवा हो गया विज्ञान मेला हो गया हर चीज को हर चीज को जोर डाला जाता है तो वैसे चीज को हम लोग बोलते हैं को एक्टिविटीज यानी सशैक्षिक गतिविधियां अब जो अगली गतिविधि है बात बहुत इक्वल लगता है कि भाई हमारे एक्टिविटीज है हमारे एक्टिविटीज है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है भाई सब तो एक ही जैसे लगते हैं को करिकुलर को स्कॉलिस्टिक करिकुलर करिकुलर बहुत डिफरेंस है लेकिन है डिफरेंस डिफरेंस है तो अगला है को करिकुलर एक्टिविटीज तो सब विद्या परिश्रमी गतिविधियां ठीक है 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 तो ये ये क्या है भाई? ये ये क्या क्या भाई जब हमने सारी एक्टिविटीज को में डाल ही दी तो अब ये दूसरी वाली एक्टिविटी कहाँ से टपक पड़ी इसमें क्या है भाई तो देखते हैं इसमें क्या है ये ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया से पढ़िएगा जरा अर्थात स विद्या परिश्रमी गतिविधियां शिक्षा की परंपराओं और पाठ्यक्रमों के बाहर यानी कि की किताबी कीड़ा होने के अलावा Uh, किताबी कीड़ा एक अच्छा चीज में मैं एक गुड सेंस में बता रही हूँ इसे ये मत समझिएगा कि मैं एक नेगेटिव सेंस में बता रही हूँ किताबी कीड़ा होना अच्छी बात है बुक्स तो इंसान के अच्छे दोस्त होते हैं बुक बुक इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है लेकिन ये कतई नहीं है कि आप किताब के अलावा बाहरी दुनिया की ज्ञान नहीं रखते हैं ठीक है तो किताबी कीड़ा एक पॉजिटिव वर्ड है एक निगेटिव वर्ड नहीं है लेकिन हम ये कहते हैं कि किताब के साथ साथ बच्चों को बाकी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए बच्चों की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं तो सह विद्या परिश्रमी गतिविधियां शिक्षा की परंपराओं और पाठ्यक्रमों के बाहर ठीक है यानी कि जो चैप्टर्स है जो बुक में चैप्टर्स दिए हैं जो नोटबुक में चैप्टर्स दिए हैं उसके बाहर विद्यार्थियों के आवश्यक विकास के लिए विकसित की जाती है

डिफ्रेंशियबल है लेकिन को कैरिकुलर एक्टिविटीज में क्या होता है कि आवश्यक विकास की हम बात कर रहे हैं यानी कि जो विकास बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है वो कराना ही कराना है जिसमें कि प्रतियोगिताएं है संगठन है व्यक्तिगत स्वयं सेवा है शामिल हो सकती है आपने सुना होगा स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन होते हैं कॉम्पिटिशन है संगठन है व्यक्तिगत स्वयं सेवा शामिल हो सकती है तो एक तरह से ये डिफरेंस है को सह शैक्षिक गतिविधियां और विद्या परिश्रमी गतिविधियां यानी कि को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज और को क्रिकुलर एक्टिविटीज अब संक्षेप में यानी कि अगर हम डिटेल में बताएं कि भाई आपने ये जो समझा तो उससे आपने क्या सीखा तो मैंने यह सीखा कि जो को स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज है इसमें बच्चों को क्या किया जाता है सामाजिक व्यक्तिगत नैतिक और शिक्षात्मक विकास यानी कि घुमा फिरा के के डेवलपमेंट बोल सकते हो को बढ़ावा देने के लिए है यानी कि वो बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है जबकि सह विद्या परिश्रमी यानी कि को कैरिकुलर एक्टिविटीज की बात कर सकते हैं तो उसमें कौशल और नौकरी से जुड़े विकास को समर्थन करता है यानी कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिर्फ बुक ही नहीं बल्कि बुक के अलावा जो उनको जिंदगी में नौकरी पाने के लिए जो कौशल होना चाहिए जो उनमें क्वालिटीज होना चाहिए जो नौकरी पाने के लिए जो उनके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए जैसे कि कोई सर्टिफिकेट लेना है प्रतियोगिता है जिसमें कि बच्चे को जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो उसके करियर में काम आएगा तो उसमें जो है काम देता है तो ये एक ओवरऑल डिफरेंस था को स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज में अपने सवाल जरूर लाइएगा आज आपको इस वीडियो से ये लग गया होगा कि आपके सवाल को मैं लेती हूँ और उस पर भी मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ इनका एक और सवाल था मेरे इसी सब इन्हीं सब्सक्राइबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी में क्या फर्क होता है तो उस पर भी मैं आपको जरूर एक कोई शॉर्ट्स में बता दूंगी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आ, मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सबको बाय